दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यानी NIRDPR की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NIRDPR रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 11 अकेडमिक एसोसिएट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद तेलंगाना ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, एकेडमिक एसोसिएट के लिए 4 वैकेंसी है, वहीं एकेडमिक एसोसिएट IT के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि एकेडमिक एसोसिएट सोशल ऑडिट के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं रिसर्च एसोसिएट सोशल ऑडिट, जूनियर फेलो सोशल ऑडिट, रिसर्च एसोसिएट एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज और रिसर्च एसोसिएट पोस्ट की, तो इनके लिए 1-1 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने बी या बी टेक, एम टेक, MCA, MSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है या फिर PhD कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए आपका बी या बी टेक, MEA, MTech इन CSE, IT या फिर ECE से क्या होना आवश्यक है, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MCA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर एकेडमिक एसोसिएट की बात करें तो इसके लिए आपका MSc, MTech इन रिमोट सेंसिंग, GIS, RS एंड GIS क्या होना आवश्यक है, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या स्पेशल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं एकेडमिक एसोसिएट IT की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने बी या बी टेक कर रखा है CSE या फिर IT से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MCA कर रखा है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एकेडमिक एसोसिएट सोशल ऑडिट की बात करें तो इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क से क्या होना आवश्यक है। अगर रिसर्च एसोसिएट सोशल ऑडिट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने PhD कर रखा है सोशल साइंस से या फिर रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से या फिर सोशल वर्क से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए जूनियर फेलो सोशल ऑडिट की, तो इसके लिए आपका PhD क्यों होना जरूरी है, जबकि रिसर्च एसोसिएट एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जिन कैंडिडेट्स ने PhD कर रखा है एनवायरमेंटल साइंसेज से, फॉरेस्ट्री से, बॉटनी से या फिर क्लाइमेट चेंज से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। रिसर्च एसोसिएट की बात करें तो इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट या फिर PhD क्यों होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो प्रोजेक्ट मैनेजर और रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं एकेडमिक एसोसिएट, एकेडमिक एसोसिएट IT, एकेडमिक एसोसिएट सोशल ऑडिट और रिसर्च एसोसिएट सोशल ऑडिट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 45 वर्ष या उससे कम है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर फेलो सोशल ऑडिट के लिए आपका आयु 55 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि रिसर्च एसोसिएट एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देना होंगे 300 रुपये। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 सितंबर 2023 तक चलेगी। वहीं अगर पोस्ट वाइज लास्ट डेट डिटेल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर और रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए आप 30 अगस्त 2023 तक ही आवेदन कर सकोगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आप 1 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हो। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।